यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। जब बीजेपी जा रही है ना तो रेडे डलवा रही है, और जिनके यहाँ रेड पढ़नी चाहिए अंबानी उड़ानी के यहाँ, तहाँ रेड नहीं डाली है, क्योंकि वो सत्ता में है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठी हुई है। इस बार जो है ना 200 पार जाएंगे अखिलेश भैया। 112 से, अरे 112 पता नहीं क्या 13 है वो नंबर ढूंढते ही आदमी। पहले हम तो अनपढ़ आदमी थे, 100 नंबर ढूंढ लेते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और आयकर विभाग के छापे कुछ बयां कर रहे हैं इस वक्त की उत्तर प्रदेश की राजनीति को। और मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मेरे पीछे आप एक पोस्टर देखेंगे, ये पोस्टर लगा है समाजवादी पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर। अब आप पोस्टर पर अगर जोर डालेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर अखिलेश यादव नजर आएंगे, राइट हैंड साइड पर अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें लिखा है हमारे पास अखिलेश हैं, और भाजपा के पास क्या है, भाजपा के पास है इनकम टैक्स प्लस CBI प्लस ED इक्वल्स टू BJP। मतलब यहाँ बताने का प्रयास किया गया है एक पोस्टर के जरिए कि BJP के पास ये सेंट्रल एजेंसीज हैं जबकि समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव हैं। नंबर दो, किसने लगवाया है ये पोस्टर, ये भी हम जानेंगे, देखेंगे कौन है जिसने पोस्टर लगवाया है। आप तस्वीर देखिए, नीचे बॉटम में एक तस्वीर लगी हुई है, इसमें लिखा है दीपू श्रीवास्तव, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा के, और ये सुल्तानपुर जिले से आते हैं। तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में सियासी गर्माहट को बढ़ा दिया है। अब देखना है कि इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो आगे क्या, फिलहाल BJP की तरफ से अभी कोई पोस्टर नहीं लगाया गया, पर अगर BJP की तरफ से पोस्टर लगाया जाता है तो देखना होगा कि क्या रंग लाता है। पर इस तरह के जो पोस्टर्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो सियासी तापमान यूपी का है वो बढ़ा दिया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, जानूंगा इनकम टैक्स रेट जो पड़ रही है उसको कैसे देखना है। लगे अखिलेश करो इसको लेकर बहुत कड़ा है, उन्होंने कई आरोप फोन टैपिंग जैसे भी लगवा दिए, बातचीत करना शुरू करूंगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? पवन सिंह यादव, चंदौली से हूँ। पवन जी, पोस्टर जो पीछे आपका लगा है इसमें तो बड़ा प्रहार किया गया BJP के ऊपर, सेंट्रल एजेंसीज को BJP का बता दिया गया है, आप लोग कैसे देखते हैं? ये पूरे प्रदेश के लोग जान गए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में आ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री सांसद जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं उनको BJP रोकने के लिए ये हथगंडा अपनाई है। इससे कोई असर नहीं होगा, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जो है ये वही उन्हीं के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो इतना दिन कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, सरकार 5 साल उनकी रही, चुनाव आने बसर पर है, आज 1 महीना चुनाव रह गया तो कार्रवाई करना शुरू किए हैं, और चिन चिन कार्रवाई कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? उनके पार्टी में इतनी भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना उनका प्रशासनिक अधिकारी हमला पूरा पैसे से पूरा काम कर रहा है, उस पर निगाह नहीं जा रही है उनकी, और पार्टी के नेताओं के ऊपर निगाह की जा रही है। सरकार जब बनने जा रही है तो उनको लग रहा है कि घबराहट भी पैदा हो रही है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? अरुण सिंह पटेल मेरा नाम है, चुनाव विधानसभा मिर्जापुर से हैं। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, क्या नाम है, कहाँ से हैं? शिव सागर यादव हूँ, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सगड़ी आजमगढ़ से। अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है और कहा है फोन टैप हो रहा है पार्टी कार्यालय का और उनका, इस पर आप क्या? फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। जी, यह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बौखला गई है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरे प्रदेश के अंदर युवा छात्र नौजवान बेरोजगार किसान तमाम लोग सभी धर्म जात के लोग समाजवादी पार्टी के तरफ देख रहे हैं, विकल्प के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ से हैं, अशोक यादव, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हाँ देखिए, जोगी बाबा उस स्कूल के हेडमास्टर हैं जिस स्कूल में भिक्षा मांगने की शिक्षा दी जाती है, लेवा है, गुदरिंग है, तामा है, पीता है, कांसा मांग के ले आओ गांव से, लुगरी मांग के ले आओ, वो इन लोगों के जो सरदार हैं उनको राजपाट कैसे चलता है उसमें सबको मिला के चलते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पार्थ सभी भारत के नागरिक हैं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन वो ऐसे जगह हेडमास्टर हैं उसमें भिक्षा मांगने की शिक्षा दी जाती है, कापी नहीं बांटते, किताब नहीं बांटते, पेंसिल नहीं बांटते, तो किससे भिक्षा मांग रहे हैं, नहीं खोलते हैं, किससे भिक्षा? गांव में जो उनके आदमी हैं लेवा उदरी गुदरी सारी मारी लेके भीख मांग उनको देते हैं ले जाके। क्या नाम है आपका, कहाँ से? लक्ष्मण सिंह, जिला पीलीभीत, तहसील पूरनपुर। पीलीभीत में तो किसानों में काफी नाराजगी थी, अब क्या ठंडी हुई है जब प्रधानमंत्री ने वापस लिया? हाँ जी, अब ठंडे तो हुए हैं,
बस ठंडा तो होना ही था क्योंकि उनके हाथ में पावर है, दिया उन्होंने कुछ नहीं है। वोट दे रहे हैं बीजेपी को? वोट दे रहे हैं पंजाब? बीजेपी को तो वोट क्या देनी है, वो तो आधी रात में फैसले ज्यादा लेते हैं। आज आधी रात के बाद भैया 1000 और 500 का नोट बंद, सुबह को साला पता नहीं चलता आदमी मर रहा है कि जिंदा है। हाँ, इतनी सारी अनपढ़ सरकार है। अब हर भैया, हर किसान, हर जाग गया है, हर अनपढ़ नहीं है अब इतना, और समझ गया है, उन्हें धर्म और जात को बांट के हमारे देश का विनाश कर दिया है। धर्म और जात में विकास में काम किया था अखिलेश ने, बहुत काम किया। 108 चलाई, हमारा बच्चा खुद बचा, एक्सीडेंट हो गया, 108 चलाई, फौरन गाड़ी आई। और जो कह रहे हैं कि गुंडावर्दी गुंडागर्दी मतलब थी, नई वाली एम्बुलेंस नहीं आती है, हैं नई वाली एम्बुलेंस होगी ना, वो तो उसके टायर भी नहीं है, टायर भी नहीं, और टायर भी नहीं उनमें डाल पाए, डीजल मिलता नहीं है, डीजल ही नहीं है। और हैंड्रेड गाड़ी चलाई, जो आज कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, आज गुंडागर्दी हैंड्रेड से खत्म हुई है, भाजपा ने नहीं करी है, ये गुंडागर्दी हैंड्रेड से खत्म हुई। 112 से हाँ? 112 से, और 112 पता नहीं क्या 13 है, वो नंबर ढूंढते ही आदमी, पहले हम तो अनपढ़ आदमी थे, 100 नंबर झटते ढूंढ लेते थे, अब 1, 2, 3 ढूंढते वैसे उतने तक तक काम। आखिरी बता दिए, पोस्टर बता दिए, इनकम टैक्स की रेट पड़ रही क्या कहें? इनकम टैक्स की रेट इसीलिए पड़ रही है कि पहले सोए थे, हाँ अब कोई और हथियार हाथ नहीं आया तो चलो यही चलाओ यही चलाओ। अब भाई ऐसा है कि हर एक इंसान अपना अपना हथियार तो चलाता ही है। कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से, गौरव पटेल नाम है हमारा। जब बीजेपी जा रही है ना तो रेडे डलवा रही है, और जिनके यहाँ रेड पढ़नी चाहिए अम्बानी उड़ानी के यहाँ, तहाँ रेड नहीं डाली है, क्योंकि वो सत्ता में है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठी हुई है। इस बार जो है ना 200 पार जाएंगे अखिलेश भैया, कम से कम 200 पार, और ये जा रही है सरकार, इसको कुछ कहने वाले नहीं, जा रही है सरकार, ऐसा कहना है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। और पोस्टर्स के जरिए जिस तरह से आक्रमण के, पीलीभीत से किसान भी आए हैं, अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, गुस्सा सबका है, और सबका कहना है कि जो रेट्स पड़ रही हैं वो एक तरफा हमला है। कैमरा मैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।